अस्सलाम वालेकुम, कैसी है यूट्यूब फैमिली। उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक है। आगे एक नया व्लॉग लेके आपके सामने हाजिर है। तो मैं आज बनाने जा रही हूँ कद्दू का सालन। मतलब ये कद्दू का सालन नहीं है, बच्चे शौक से नहीं खाते कद्दू का सालन, तो मैंने कहा कि चलो कुछ आज कद्दू से चेंज करते हैं। दाल और कद्दू, दाल और कद्दू गोश्त तो बड़ा खाया है, लेकिन आज थोड़ी डिफरेंट रेसिपी करते हैं। हम बनाएंगे कद्दू के पकौड़े। कुछ लोग कद्दू के कोफ्ते बनाते हैं, कुछ लोग कद्दू के पकौड़े। मतलब एक ही बैटर के साथ आप दो चीज़ें बना सकते हैं, वो मैं आगे आगे आपके साथ रेसिपी शेयर करती जाऊंगी और आपको बताऊंगी कि इसके कोफ्ते कैसे बनते हैं और पकौड़े। तो सबसे पहले ये मेरे पास हाफ के जी कद्दू है, इसको मैंने वाश करके छील के और दोबारा से वाश अच्छी तरह से वाश कर लिया है। और फिर ये मैंने एक कद्दूकश ले लिया है, इसके साथ हम इसको कश कर लेंगे ऐसे। और ये बड़ा मज़ेदार सा सालन बनता है गर्मियों में। वैसे भी कद्दू जो होता है ना, सेहत के लिए बहुत अच्छा है, ठंडा है गर्मियों के हिसाब से। इसका आप रायता बना सकते हो, इसका आप सालन बना सकते हो, हर एंगल से मतलब ये अच्छा है। इसके अगर बच्चे शौक से नहीं सालन खाते ना, तो आप इसकी रेसिपी चेंज कर करके बच्चों को खिलाएं। तो ये मैं दोनों कद्दू जो है ना कश कर लेती हूँ। अच्छा, इसको आपने कश करना है और एंड पे जो हल्का सा जो बचता है ना, इसको भी ज़ाया नहीं करना है। इसको हम छुरी के साथ छोटा छोटा से ना इसके पीस कर लेंगे। अच्छा, ये कश हो गया। अच्छा, मैंने इसको पहले अच्छी तरह से वाश कर लिया था, तो आप इसे दोबारा से वाश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कद्दू के जितने विटामिन्स हैं वो धुल जाएंगे। फिर फ़ायदा क्या जो हम ऊपर से छिलका पका के खाएँगे। असल चीज़ तो इसके बेनिफिट्स लेने आना। ये जो एंड पे थोड़ा सा कद्दू पीस बच जाता है ना, ये कश नहीं होता, इसलिए ना इसको ज़ाया नहीं करेंगे, इसके हम छुरी के साथ। अच्छा, मेरी छुरी पर मत जाना, ये मैं आपको व्लॉग में बार बार बताती हूँ कि ये मेरी छुरी है ना, ये मेरे हाथ लगी हुई है, ये मुझे बहुत पसंद है, लोहे की वज़ीराबाद से स्पेशल मंगवाई गई है ये। तो ये तेज़ है, कुर्बानी वाली छुरियाँ होती हैं ना, ये वज़ीराबाद की छुरियाँ बहुत मशहूर हैं, तो उधर से हमने सेट मंगवाया था ये कुर्बानी के लिए। इनमें से मैंने एक छुरी घर पे लगा ली है, तो लोहे की वजह से ये काली काली लगती है, लेकिन ये काम में करी है, शक्ल में ना जाए इसके। इसके अंदर ये कश किया हुआ सारा हम कद्दू डाल देंगे। एक दरमियानी साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने बारीक ऐसे काट लिया है, ये डाल दूंगी। दो अदद सबज मिर्चें थी, ये डाल देती हूँ। नमक जाएगा हाफ टी स्पून, सुरख मिर्च पीसी हुई क्वार्टर टी स्पून, चिली फ्लेक्स क्वार्टर टी स्पून, ज़ीरा पाउडर क्वार्टर टी स्पून, कुशक धनिया पाउडर हाफ टी स्पून और क्वार्टर टी स्पून ही हल्दी, गरम मसाला थोड़ा सा हाफ टी स्पून, सफ़ेद ज़ीरा साबत पिसा हुआ भी डाला है और साबत भी डाला है हाफ टी स्पून, कसूरी मेथी इसको हाथों पर रख के मल के तो फिर डालेंगे। अब हम इसके अंदर बेसन शामिल करेंगे, और बेसन की इसके अंदर मैं क्वांटिटी आपको नहीं बता सकती, क्योंकि ये कद्दू है, कद्दू ने अपना पानी छोड़ना है। पहले मैं भर के 2 टेबलस्पून डाल देती हूँ, इसके बाद मैं इसको हाथों के साथ मिक्स करूँगी, क्योंकि चम्मच के साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बंदा चम्मच के साथ मिक्स कर सकता है, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ना ऐसे जो पकौड़े शकौड़े हो गए या किसी चीज़ को नमक मिर्च मसाला चिकन वगैरह को लगाना हो ना, तो वो चम्मच से नहीं लगता। ये वो चीज़ें हैं जो हाथ ही लगता है, और हाथ मेरे धुले हुए हैं, इस पर भी ना जाना, क्योंकि जो लेडीज़ वर्क काम करती हैं ना किचन का, तो वो हैंड वॉश करके ही फिर किचन में आती हैं। हमारी अम्मियाँ दादियाँ नानियाँ सब हमें अपने हाथों से ही सारी चीज़ें, तब शापर हाथों पे डाल के या ग्लव्स डाल के ही काम किए जाते, हाथों से ही करते हैं। और वैसे भी आटा भी तो हम हाथों से ही गूंथते हैं, आटा कौन सा। अच्छा, अब हम ये देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून भर के जो है ना वो बेसन का डाला था, पानी बिल्कुल शामिल नहीं है, कि कद्दू का अपना ही पानी है। और ये अभी सॉफ्ट है, इसका मतलब कि इसके अंदर और थोड़ा सा बेसन जाएगा। ये बड़े वाले टेबलस्पून है, 4 हो गए, 2 पहले डाले थे, 2 मैंने अब डाले हैं, अब सही है। क्योंकि अगर हम पकोड़े जब बनाएंगे ना, तो अक्सर बात ऐसा होता है कि पकोड़े बनाते वक्त, क्योंकि इसके अंदर हमने नमक भी डाल दिया, मिर्चें डाल दी हैं, तो कद्दू थोड़ी देर पड़ा रहने की वजह से ना कद्दू दोबारा से पानी छोड़ देता है, जब बैटर नरम हो जाता है, तो इसकी टेंशन नहीं आपने लेनी। जैसे आपको लगे कि ये नरम हो गया, तो आप इसके अंदर 1 टेबलस्पून या 2 टेबलस्पून जितनी ज़रूरत हो बेसन का ऐड कर सकते हो। बस ये इतना थिक हमें चाहिए था। इसके अंदर मैंने सब्ज धनिया नहीं डाला, वो मैं आप भी लेके आती हूँ, क्योंकि मैंने वो फ्रीज़ किया हुआ है, तो पहले टाइम से निकाल के अगर रख देना तो पिघल जाता है,
इसलिए मैंने शुरू में नहीं डाला, तो अब मैं फ्रिज में से लेके आती हूँ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को स्किप करके ना देखें, पूरी वीडियो हमारी मुकम्मल वीडियो देखा करें। अच्छा, ये सब्ज़ धनिया मैंने फ्रीज किया हुआ है, ये डाल देती हूँ इसके अंदर। अगर आप जब मैं पकौड़े बनाऊँगी ना, सिर्फ पकौड़ों का भी सालन बन सकता है। अगर आपके बच्चे पकौड़े या आपने इसको मज़ीद वो करना हो ना, तो इसके अंदर आप आलू भी शामिल कर सकते हैं, मसलन वो आलू शोरबे में। और इस स्टेज पे आप नमक मिर्च भी चेक कर सकते हो, कम ज़्यादा जितनी आप पसंद करते हो। अच्छा, चूल्हे पे मैंने कढ़ाई रखी है, इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब जब गर्म होगा तो इसके अंदर फिर हम ये मटेरियल जो हमने बनाया है ना, इसके बनाएंगे पकौड़े। थोड़ा सा अगर हम इसको नरम रखेंगे तो ये बन गए पकौड़े। अगर हम इसमें और बेसन डाल के इसको हार्ड डो की शक्ल दे लेंगे, थोड़ा सा सख्त कर लेंगे और गोल गोल हाथों से घुमा के कोफ्ते की शक्ल दे लेंगे ना ऐसे, अभी तो ये नरम है, ऐसे ऐसे करके ऐसे, तो ये कद्दू के कोफ्ते का सालन बन जाएगा। ये आपकी अपनी मर्जी है, चीज़ एक ही है, बस थोड़ा सा हार्ड करो। लेकिन उसका यह है, थोड़ा सा इसमें बेसन ज़्यादा डाल के हार्ड कर देते हैं तो वो फिर गोल गोल से फ्राई जब हम करते हैं तो अंदर तक से काफ़ी देर लग जाती है उनको सॉफ्ट होने में। तो ये पकौड़े ज़रा छोटे साइज़ के होते हैं, ये सालन में बनाने से नरम जल्दी हो जाते हैं। अच्छा, इसको आप चम्मच के साथ या एक एक चम्मच उठा के डालते जाएँ या हाथों के साथ, जैसे आपको ईजी लगे। मैं पकौड़े अक्सर हाथों से ही बनाती हूँ, चम्मच से मुझे इतना मज़ा नहीं आता। ऐसे आपने ना इसको पकौड़ों की तरह ना ऐसे डालते जाना है और इनको गोल्डन फ्राई कर लेना है। और वैसे भी आपको पता ही है कि कद्दू के बेनिफिट्स कितने हैं, और वैसे भी इसको कहते हैं कि खाना सुन्नत रसूल है, तो ये अपनी खुराक में शामिल करें कद्दू किसी भी तरीके से, जैसे आपके बच्चे खाना पसंद करें। उनको छुपा छुपा के घुमा घुमा के चीज़ें दें, वो खुद ही खा जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा जी, तो ये जब गोल्डन फ्राई हो जाएंगे ना, इसको हमने फुल फ्राई नहीं करना, गोल्डन फ्राई करना है, क्योंकि आधा इसने इसमें पक जाना है और आधा ये सालन में बनेगा। तो इसको हमने गोल्डन फ्राई करके तो निकाल लेना, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, ज़्यादा डार्क किया तो वो सालन में पड़े हुए फिर ना अच्छे नहीं लगने। और एक चीज़, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है हमारे गुजरांवाला में, आज 44 जो है ना वो दर्जा हरारत है, इतना कि भी किचन में मुझे पता है कि मैं कैसे खड़ी हुई हूँ। और ये हर घर में हर औरत जिधर जिधर जितना भी दर्जा हरारत है, तो देखो कि घर की औरतें और हमारे घर के मर्द जो बाहर कमाने गए हुए हैं इतनी गर्मी में, हम तो औरतें फिर भी घर में बैठ के ना पंखों और कूलरों के सामने एसी लगा के बैठी हुई हैं, फिर भी इतनी गर्मी महसूस हो रही है। लेकिन जो लोग बाहर मेहनत मजदूरी करने गए हुए हैं घर से बाहर, उनका क्या हाल होता होगा जितनी गर्मी है। अच्छा, ये सारे मैंने टर्न ऐसे कर दिए हैं। अच्छा, ये पकौड़े जो मैंने पहले डाले थे ना, वो गोल्डन ब्राउन हो गए, इनको हम निकाल लेते हैं। और दूसरे अभी थोड़े थोड़े से कच्चे हैं, इनको साइड पे घूमते रहेंगे, और जो पहले डाले थे उनको निकाल लेते हैं। सारे हो गए है। अगर हमने इनका इस टाइप, एक और आपको टिप दे देती हूँ, मतलब मैं एक रेसिपी से आपको कितना कितने आइडिया दे रही हूँ। अब ये पकौड़े बन के हो गए रेडी, साहब हम दही बनाएं, दही में प्याज डालें, खीरा काटें, साथ में पतली सी खट्टी लस्सी बनाएं, और ये रोटी के साथ एज इट भी आप खा सकते हैं। ये देखो कितने मज़े के हैं, अंदर से भी अब पक चुके हैं अच्छी तरह। मैं सारे तो नहीं तोड़ूंगी क्योंकि मैंने सालन में डालने, नहीं तो खुल जाएंगे। अच्छा, ये देखो ऐसे थोड़े से अगर डार्क कर लें ना, इस तरह के आप कर लो तो ये मुकम्मल पक चुके होंगे, तो ये ऐसे खाने में भी बड़े मज़ेदार हैं। ये ऑयल जिसके अंदर मैंने पकौड़े फ्राई किए थे, ये मैं अलग से निकाल रही हूँ, जितनी मुझे ज़रूरत थी ये ज़्यादा था, इसको निकाल के कर लेती हूँ साइड पे ऐसे। पकौड़े फ्राई करके मैंने निकाल लिए, थोड़ा घी मैंने ऑयल मैंने इसके अंदर से कम कर लिया जितनी मुझे ज़रूरत थी। तो एक अदद प्याज ये मैंने कुंडी डंडे के अंदर ना थोड़ा सा दरदरा सा कर लिया है। अगर आपके पास चॉपर है या आपके पास वो मशीन है जिसके साथ ऐसे ऐसे घुमा के करते हैं, आप उसमें भी कर सकते हो, मैंने कुंडी डंडे के अंदर किया है। देना है बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं और बहुत ज़्यादा लाइट भी नहीं, जैसे सालन में होता है लाइट सा ब्राउन कलर। अच्छा, ये प्याज हल्का सा गोल्डन हो गया, अब हम इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 टेबल स्पून लहसुन है और 1 टेबल स्पून ही अदरक पेस्ट है। ये भी मैंने कुंडी डंडे के अंदर पीस लिया था। थोड़ा सा इसके अंदर साबा ज़ीरा डालेंगे,
साइज़ के इनको मैंने पीस लिया था, जब फ्रिज में फ्रीज किए हुए हैं इसलिए मैंने इन्हें पीस लिया। और साथ में मेरे पास वन एक जो ना मिर्च थी उसको बारीक बारीक काट लिया, वो भी इसके साथ ही डाल देती हूँ। और इसका हम अच्छी तरह से मसाला भून लेंगे। और जितने घर में क्वार्टर टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून सूरज मिर्च, अच्छा बाकी आप ना इसके अंदर नमक मिर्च मसाला अपनी फैमिली के हिसाब से, और आप देख लें कि इसके अंदर हमने जो कद्दू के पकौड़े बनाए हैं ना उनके अंदर भी नमक मिर्च मसाला हमने सब कुछ डाला हुआ है। आप इस हिसाब से डालें कि आपके सालन का मटेरियल जो है ना अच्छी तरह से मैनेज हो जाए आपस में। तो मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ हाफ टी स्पून सूरज मिर्च, हाफ से भी क्वार्टर टी स्पून जीरा पाउडर, क्वार्टर टी स्पून धनिया पाउडर और क्वार्टर टी स्पून चिली फ्लेक्स। अच्छी तरह से एक ना स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे ताकि हमारे सालन में लहसुन प्याज टमाटर जो है ना ऊपर नज़र ना आए और एक अच्छा सा मसाला भुन जाए। और मसाला जितना अच्छा आप भुनोगे पानी का छींटा लगा लगा के सालन में उसी तरह फिर मज़े का टेस्ट आएगा। हाफ टी स्पून नमक, पकौड़ों के अंदर भी नमक है और उसी हिसाब से आपने सालन में डालना है। हाफ टी स्पून मैंने पकौड़ों के अंदर डाला था और हाफ टी स्पून मैं मसाले के अंदर डाल रही हूँ क्योंकि हल्की सी हमें ग्रेवी भी चाहिए इसलिए। बाकी नमक की तो खैर है बाद में भी कम ज़्यादा किया जा सकता, ज़्यादा हो जाए तो फिर ज़ाहिर है कवर नहीं होगा, अगर कम होगा तो हम ऊपर से डाल सकते हैं, इसलिए कोशिश करें कि नमक आप हाथ रोक के डालें। मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए थे ये डाल रही हूँ, और आलू बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आपने डालने हैं तो डालें, स्किप करना है तो स्किप कर दें। तो ये दो अदद आलू को छोटा छोटा मैंने काट लिया है, इसको मसाले के साथ एक डेढ़ मिनट के लिए हम अच्छी तरह से भूनेंगे। आलूओं को दो तीन मिनट भूनने के बाद अब हम इसके अंदर जो हमने ये पकौड़े फ्राई किए थे ये डाल देंगे। और ग्रेवी आपने जितनी रखनी है ना आप अपनी फैमिली के हिसाब से ग्रेवी तैयार करें। मैंने साथ में बनाने हैं चावल तो इसलिए मुझे थोड़ी सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए चावलों की वजह से। अगर आपने इसको रोटी के साथ खाना है तो फिर आप इसकी ग्रेवी ज़रा कम रखें, बस मीडियम सी, ना ज़्यादा पतला शोरबा हो जाए और ना ही ज़्यादा इतना थिक हो, बस मीडियम हो। तो मैंने चावल बनाने हैं, मैं उस हिसाब से पानी डाल रही हूँ। एक लीटर मैं इसके अंदर पानी डालूँगी, बाकी पक के थोड़ा सा कम रह जाएगा। लम्बा शोरबा नहीं, बस आपको ये लम्बा शोरबा ऐसे दिख रहा होगा लेकिन ये पकने के बाद, क्योंकि पकौड़ों ने जो है ना वो पानी अपने अंदर चूस लेना है तो इसलिए ये पानी थोड़ा सा पकेगा तो ये कम रह जाएगा, इसलिए मैं इसके अंदर पूरा एक लीटर मैंने पानी डाला है। लेते हैं इसको ताकि ये बॉयल इसको आ जाए। पहले हम इसको दो बॉयल बड़े वाले देंगे सही वाले, दो तीन बॉयल आने के बाद फिर चूल्हे की आंच हल्की कर देंगे, क्योंकि मीडियम आंच पे, दम वाली आंच पे, हल्की आंच पे पकेगा, पकौड़े सॉफ्ट हो जाएंगे और आलू जो डाले हैं वो भी गल जाएंगे। सालन बन के हो गया रेडी। ये थोड़ा सा शोरबा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, ये इसलिए ज़्यादा रखा है कि मैंने बनाने हैं साथ चावल, तो चावलों पे थोड़ी सी शोरबा पतला ही हो तो मज़े मज़े के लगते हैं। अच्छा तो अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, सब्ज़ धनिया। जब मैं चावल बनाऊँगी उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी तो फिर आपको इसकी चावलों के ऊपर डाल के फिर इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी। अच्छा अब सालन अगर आपने रोटी के साथ खाना है तो थोड़ा सा इसको और मज़ीद पका के ना थोड़ा थिक कर लें। अच्छा मैं आपको इसको प्लेट में डाल के तो इसके लिए पकौड़े दिखाती हूँ। ये ऐसे पड़े हुए ना आलू गोश्त लग रहा है, ये देखो लग रहा है ना, देखने वाले को ये लगेगा कि आलू गोश्त बना हुआ। अच्छा जी तो चावल जो है ना तकरीबन पक गए हैं, थोड़ा सा इसमें पानी रह गया, अब हम इसको लगाएंगे दम। और ये चावल न्यू चावल हैं, ये पुराने चावल नहीं हैं, ये घर पे हमने डेली रूटीन में खाने के लिए ना तो ये नए वाले चावल हैं। जब बिरयानी शिरयानी बनानी हो या कोई गेस्ट वगैरह आने हो तो फिर हम पुराना चावल बनाते हैं, लेकिन ये न्यू चावल है इसलिए इसमें थोड़ी सी आपको ना ये पिच सी नज़र आएगी। तो उनके साथ में पेशावरी रोटी है ये, अगर जिसने रोटी खानी होगी वो रोटी खाएगा, जिसने चावल खाने होंगे वो चावल खा लेगा। इसको भी इधर साथ ऐसे रख देती हूँ। हाँ जी ये कितने प्यारी, और ये देख सकते हो तो मैं सबको दिखा रही हूँ
ऐसे आपने सॉफ्ट बिल्कुल, ये यूट्यूब के लिए, यूट्यूब की फैमिली के लिए पहला बाइट खा लेती हूँ मैं। अल्लाह हाफिज़।